नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है नाला पाकिस्तानी रिएक्शन का और इसका टाइटल है, टाइटल देख के कई लोगों ने ये लिंक मुझे भेजा, एक्चुअली कई लोगों ने भेजा मुझे कि भाई आप इस पर करिए, इस पर बड़ा जबरदस्त रिएक्शन आया है, नो मोर पाकिस्तानी इन सऊदी अरबिया, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। अच्छा जी, चलिए शायद शायला बताएं कि भाई खबर क्या है। रिएक्शन आज हमें कैसी खबर पर पाकिस्तानियों के साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसने पूरे पाकिस्तान को जो है शौक मतलब सख्ते में डाल दिया है। हमने देखा कि इंडिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत बढ़ रहे हैं, वो तिजारती हो या वो सफारती हो, और इसके साथ साथ जो है लव इंडिया का कंपेन सऊदी अरब में हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देता चलूं, खबर तो आप लोगों को मिली गई होगी कि सऊदी अरब ने भारत की म्यूनिशन लिमिटेड जो कंपनी है हमारी, जो गोले बनाती है, आर्टिलरी शेल्स बनाती है, उससे सऊदी अरब ने 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की डील की है, 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की डील की है, और हमें वहां पे शेल्स उनको प्रोवाइड कराने हैं सऊदी अरबिया की आर्मी को। तो देखिए, मैंने बोला था ना कि शुरुआत हो चुकी है, अब हमारे गोले वहां जाएंगे, फिर उसके बाद हमारी सेना भी वहां जाएगी। और अभी हाल ही में आपको पता ही होगा कि भारत और सऊदी अरबिया की सेना ने मिलकर बड़ा जबरदस्त वॉर एक्सरसाइज की है। आप इस बॉन्डिंग को समझिए कि बॉन्डिंग अब किधर को जा रही है, ये जा रही है मक्का मदीना की तरफ। आप लोगों को आइडिया ही नहीं हो रहा, वहां पर जो पाकिस्तानी सेना है वो हटाई जाएगी और वहां पर इंडियन आर्मी के जवान तैनात किए जाएंगे, जो मुसलमान जवान है हमारे, वो मक्का मदीना को सेफ रखेंगे और पाकिस्तान का पत्ता कटना है धीरे 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 काट के निकाल देंगे साफ। तो ये कड़ी है, आप इन कड़ियों को जोड़िए, हमारे आर्मी चीफ वहां जाते हैं, वहां के आर्मी चीफ यहां पे आते हैं, और ये पहली बार ऐसा हुआ था पिछले 2-3 साल में, मतलब इतिहास में देखें तो पहले ऐसा नहीं होता था। अब हमारे गोले सऊदी अरबिया की आर्मी को सप्लाई किए जाएंगे, ये डिफेंस में कारोबार और ब्रदरहुड की शुरुआत हुई है भारत और सऊदी अरबिया के बीच। भारत और सऊदी अरबिया की सेना फौज आपस में मिलकर एक्सरसाइज कर रही है और बॉन्डिंग बढ़ेगी, उसके बाद अगला स्टेप होगा धीरे धीरे वहां पर हमारी सेना का जाना और पाकिस्तानियों को निकालना वहां से, राहिल शरीफ है ना शायद, जो भी है व्हाटएवर। तो ये है मामला, लेकिन पाकिस्तानियों को जब तक ये बात समझ में आएगी तब तक देर हो चुकी होगी। फिर कहेंगे अरे सऊदी अरब एक मुसलमान मुल्क होते हुए उसने हमारे साथ धोखा कर दिया, ओहो तौबा 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 तौबा, फिर सऊदी अरबिया को गरियाएंगे ये लोग। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, 2 माह पहले यूएई और सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद किए, इस वक्त भी बैन लगा हुआ है, वीजाज नहीं मिल रहे, और जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में मौजूद है उन्हें भी जी सऊदी अरब से निकाला जा रहा है, और उनका कहना यह है कि ये पाकिस्तानी यहाँ पर अरबी लिबासों में जी भीख मांगते हैं, हमें ना पाकिस्तान के जो है वर्कर्स की ज़रूरत है, ना इनके बिजनेसमैन की ज़रूरत है, ना इनके चीफ की ज़रूरत है, हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा इस्लामिक ब्रदर मुस्लिम उम्मा क्यों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कंपेन चला रहे हैं? हमें जो यही है, जैसे कि पाकिस्तान में इधर से जाते हैं काम करने लेकिन उधर जाके गलत काम करते हैं, ठीक है, ये इनकी बुरी बात है। एक बंदा गलती करता है लेकिन पूरी जो सी पाकिस्तान की फील्ड है या कोई ऐसा काम करने जाता है बंदा, वो उसको सबको भुगतना पड़ता है, और उधर से जब डिपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान भेज देते हैं उनको। लेकिन ये देखा जाए तो ये गलत बात है, हमारे पाकिस्तान और मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि ये काम ना करें, हमारी अपील है। और यहाँ से 4 से 5 लाख रुपए का वीज़ा लगाते हैं, वहाँ पर अरबी लिबास में जी गलियों में चुबारों में इवन 2 खाना काबा के अंदर भीख मांगने लग जाते हैं, और इसके बाद हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है एटमी पावर है, पाकिस्तान दुनिया का नंबर वन मुल्क है, ऐसी हरकतें हम क्यों करते हैं कि अपने मुसलमान हमसे तंग आए हुए हैं? देखें जी, ये एक बंदा करता है, ठीक है, ये सारे एक पाँच उंगली एक बंदा करता है, अगर 100 भिखारी पकड़े जाते हैं 95 तो पाकिस्तानी होते हैं उसमें से। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तानी हर बंदा तो नहीं ना ऐसे करता, जिनका जमीर मर गया या जिन्हें कोई शऊर नहीं है या कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो ही ऐसे काम कर सकता है। जो इधर काम करने जाता है या उधर वो कुछ अपना बिजनेस वगैरह या कुछ अपने आप को स्टेबल करने जाता है, तो वो उधर जाके ये काम तो नहीं करेगा, ये तो वो करेगा जो जाहिल होगा या जिसको शऊर नहीं होगा। दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, सऊदी के अंदर इंडियंस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हैं, उनकी दोस्ती बढ़ रही है, उनका जो
ट्रेड है वो बढ़ा है, इवन दो सऊदी अरब ने अपनी आर्मी भी इंडिया भेजी है ट्रेनिंग के लिए, तो उनके ताल्लुकात के ऊपर क्या बात करेंगे कि एक ऐसा मुल्क जो इस्लामिक भी नहीं है लेकिन वो मुस्लिम उम्मा से अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है? लेकिन वो उनका देखा जाए तो वो पाकिस्तान के जो से मुस्लिम भाई हैं, ये इन्हें चाहिए कि अपने आप को इतना बेहतर दिखाएँ कि मुस्लिम जो से हैं मुस्लिम, ठीक है, ये हम मुस्लिम नहीं हैं, ये मुस्लिम है, ठीक है, ये मुस्लिम नहीं है, हम मुसल्ली हैं, मुसल्ली नहीं है, ये है मुस्ली, हाँ, ये मुस्ली मतलब कि ये मुसलमान नहीं है। अच्छा। इनके पास ऊपर से मुसलमान है, अंदर इनके नियत में खोट होती है। अच्छा। ठीक है, ये जाते हैं, वो देखें वो अपने क्या कहते हैं, आते हैं उधर से इंडिया से आए हैं, वो हिंदू हैं लेकिन वो आके मुसलमानों के साथ बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन वो अपना प्यार बढ़ा रहे हैं। हम हो गए उनसे दूर हो रहे हैं अपने मुसलमान भाइयों से। हाँ, ये बात की कि हम मुसलमान भाइयों से दूर हो रहे हैं, सब कहते हैं कि ये चोर हैं, ये करप्ट है, तो हमारा ऐसा इमेज क्यों बना? ये देखा जाए तो गवर्नमेंट की वजह से बना है। आप क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट की वजह से ही बना है, सारे तो नहीं है। ना हमसे प्यार करता है, ना ही वो अपने मुल्क में पाकिस्तानियों को अब देखना चाहता है। कोई बात नहीं, वो ना देखे, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता, कोई कोई करते हैं, वैसे पूरे कंट्री को उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरी कंट्री को करें ऐसे, ये सारे लोग ऐसे नहीं। अरब का इंडिया से प्यार बहुत बढ़ा है और बढ़ना भी चाहिए, दोनों एक दूसरे के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड करते हैं, इंडियन लेबर जो है सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, इंडियन बिजनेस मैन सऊदी अरब एंड यूएई के बीच मौजूद है, तो वो कहते हैं कि ये इंडियंस आ जाए इट्स ओके, लेकिन पाकिस्तानी ज़्यादातर भीख मांगने आते हैं तो हमें नहीं चाहिए। नहीं, इंडिया भी है लेकिन उनकी जो मतलब कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और हर तरफ से, तो वो इंडिया को ज़रा ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तान ने इतनी तरक्की कैसे कर ली? 1947 से ही दोनों कंट्रीज ने शुरुआत की, बस हमारे हुक्मरानों ने लूटा ना, ना लूटते तो कर लेते तरक्की। देखा, मतलब युवा भी जो है, यूथ जो है पाकिस्तान की, उसको भी यही चूरन है। मतलब कोई बंदा जाके सऊदी में भीख मांग रहा है, सऊदी में जाके ड्रग्स का काम करता है, सऊदी में जाके क्रिमिनल बनता है या टर्की में जाके क्रिमिनल गैंग्स चलाते हैं, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की सरकार की है। कैसे भाई, पाकिस्तान की सरकार ये कह रही है कि जाके करो, कैसी सोच है यार, कौन सा चूरन है ये? करप्ट आप, बेईमान आप, मक्कार आप, क्रिमिनल माइंडेड आप, और कह रहे नहीं सरकार की वजह से हम ऐसा करते हैं। अरे, इसलिए मैं कहता हूं ना कि ज्यादातर पाकिस्तान के लोग जाहिल हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मतलब टॉपिक क्या है और मतलब क्या होता है इसका। आप जाके चोरी करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, आप जाकर लड़कियों को छेड़ेंगे तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। गुड, पाकिस्तान की यूथ सल्यूट है भाई, बने रहो ऐसे ही। उन्होंने कर ली, उनके अच्छे उनको लीडर मिल गए, हमें अच्छे नहीं मिले। अगर इंडियन और पाकिस्तानी दोनों सऊदी अरब जाते हैं तो आपको क्या लगता है, जॉब वो पहले पाकिस्तानी को देंगे कि इंडियंस को? नहीं, पहले तो इंडियन को ही देंगे, वो जब देखेंगे पाकिस्तानी है तो वो नहीं देंगे उसे पहले जॉब। क्यों? आपने भी कहा कि इंडियंस को देंगे, क्यों? वो पाकिस्तानी की, वो पाकिस्तान को अच्छा ही नहीं समझते। क्यों नहीं अच्छा अरबी अच्छा नहीं समझते? नहीं समझे, क्यों नहीं समझे? वो जाते हैं इधर से जाते हैं हज उमरा करने, ठीक है, उधर जाके भीख मांगते हैं, ये उनकी जो सी है, ये गलत बात है, ये उन्हें नहीं करना चाहिए। सऊदी अरब के बढ़ते हुए इंडिया से ताल्लुकात पाकिस्तान को अच्छे नहीं लग रहे और सऊदी अरब से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, इसमें पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रहा है कि इंडिया का हाथ है, इंडिया ने सऊदी अरब के कान भरे हैं, जिसकी वजह से सऊदी जो है अब पाकिस्तानियों को वतन वापस भेज रहे हैं। देखें, सबसे पहली तो बात ये है कि कोई किसी के पीछे नहीं लगता। अच्छा, ठीक है ना, जिसका जैसा किरदार होता ना वो वैसा ही बिहेव करता है। क्या बात? तो इससे इसकी बात ये है कि जो हमारे लीडर है ना। अच्छा। इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया है। मिसाल के तौर तो मैं किसी को कहता हूँ ये चोर है, ये चोर है, ये चोर, वो अगर वो चोर है तो उसका मतलब मैं भी चोर हूँ। ठीक है ना, जिसकी वजह से ऑल वर्ल्ड पाकिस्तान की इमेज खराब हुई है। ठीक है ना, जिससे पाकिस्तान के ताल्लुकात दूसरे ममालिक से बदतर होते गए। तो जिसने जाहिर कोई बंदा अकेला हो तो उसने किसी ना किसी का साथ तो लेना है। जब वो देखा कि पाकिस्तान का तल्लुकात खराब हो रहा है, उन्होंने इंडिया का रुख कर लिया। ठीक है ना, जब इंडिया का रुख कर रहा है तो अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से तल्लुक खराब हो रहे हैं। कैसे खराब हुए इसमें? और सऊदी अरब का कसूर नहीं है, क्योंकि हमने तल्लुक बनाने हैं। हम अच्छे होंगे तो हमसे कोई तल्लुक आके बुलाएगा ना, अगर हम बुरे हैं तो हमसे कोई बुलाएगा नहीं भी हमें। तो पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी को गंदा किया जा रहा, तो वो तो बाहर के ममालिक है। वो
बहुत अच्छी आपने बात किया, आपने कहा इंडिया ने ताल्लुकात बढ़ाए। सर आर्मी इंडिया की जो है सऊदी की आर्मी को ट्रेन करी, उनकी नेवी को ट्रेन करी है, उनकी जमीनी आर्मी को ट्रेन करी है, उनके कारोबार उनके साथ है, इंडिया को हंस के जी वो वीजा देते हैं, लेकिन अपने ही मुसलमान जिसको हम कहते हैं हम मुस्लिम उम्मा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, आज उस भाई ने हाथ जोड़ दिए कि भाई चले जो अपने मुल्क, हमें पाकिस्तानी चाहिए नहीं है यहाँ पर। देखे ना मेरी बात सुने, इंडिया को इतनी अहमियत। एक मिनट मेरी बात सुने, मैं कुछ महीना डेढ़ महीना ना मैं दुबई में रह के आया हूँ, ठीक है ना, ठीक हो गया, ठीक है ना, वहाँ मेरी ना इंडियन वालों से भी बात हुई, कुछ बंगालियों से भी बात हुई है। अच्छा, ठीक है ना, बात ये है कि ये सब बंगाली एक नहीं होते भाई साहब, बांग्लादेश वालों से आपकी बात हुई, बंगाली मत कहिए, समझ रहे हैं, बांग्लादेश में और बंगालियों में फर्क है, जनरलाइज मत कीजिए, हमारे बंगालियों का कंपेयर उनसे मत करिए बांग्लादेश वालों से। जो पाकिस्तानी है ना ये अपनी मर्जी करते हैं। अच्छा, ठीक है ना, जो बंगाली है वो चापलूसी करते हैं। अच्छा, ठीक है ना, जो इंडियन है ना इंडियन है वो किसी के नहीं है। अच्छा, मतलब क्या किसी के नहीं है, काम से काम रखते हैं, क्या करते हैं, काम रखते हैं, उनको पता है कि हम इधर आए हमने पैसे कमाने और वापस भेजने हैं। क्या बात है, तो ये फार्मूला अच्छा नहीं, आए हैं पैसे कमाएं और जाएं, यही तो बात है ना, कि जो पाकिस्तानी जाते हैं ना वो कोई ना कोई टोटके लगाते हैं। हाँ, ठीक है ना, नंबर वन टोटका भीख मांगना, भीख मांगने का, तो वो भीख मांगने का, अगर देखो ना, अगर आप बाहर की बात कर रहे हैं ना, आप किसी भी इशारे पे जाएं, औरतें बच्चे हिजड़े, ठीक है ना, ये मांगने के लिए खड़े हुए हैं, क्यों मांग रहे हैं, पाकिस्तान में क्या इसकी कमी है, मीशत की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है, ऑल वर्ल्ड देखें जितने भी आप मुल्क में देखें, चिड़िया थी अब तो कंगाल कर दिया ना, बात सुने ना, जितने भी मुल्क हैं अगर मुल्क तमाम मालिक से अगर मुसलमान निकाल दिए जाए ना, वो मेरा भाई बात कर रहा था कि मुस्लिम नहीं मुस्लिम हैं, हमें फ़ख्र है हम नबी के उम्मती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ भी जाएँगे हम कलमा पढ़ के बताएँगे हम नबी के उम्मती, हमें फ़ख्र है, मगर ये बात नहीं कहने के मुसलमान मुसलमान ठीक है, अगर एक दो बंदे गलत है तो इसका मतलब बात मुसलमान की नहीं है, बात पाकिस्तान की है कि पाकिस्तानियों को क्यों निकाला जा रहा है, पाकिस्तानियों को क्यों निकाला जा रहा है कि पाकिस्तान में जो वसाय, अरे भैया बात पाकिस्तानियों की हो रही है, आप उसको सारे मुसलमानों से क्यों जोड़ देते हो, सारे मुसलमानों की बेइज्जती मत करो यार, आप अपनी बात करो जो पाकिस्तानी हैं, आप सारे मुसलमानों को जोड़ देते हो एक साथ, साहिल की कमी पैदा की गई है, हाँ, महंगाई की सूरत में बड़े लोगों, ठीक है ना, की पैदा की है बड़े लोगों, सऊदी अरब जो है पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं, कहते निकलो यहाँ से, आपकी जरूरत नहीं है, हमें भीख मांगते हो अरबी के कपड़े पहन के। ये मेरी बहन ये बात सुने ना, ये लोग जो वजीर आजम है, वजीर ख्वाजा है, जो भी है, ये बाहर से नहीं कमाते, ये भी लोग बाहर से कमा रहे, ये माड़ा आदमी बाहर जाके काम कर लेगा तो क्या है, कुछ हो जाएगा, ये हमें बने फिरते हैं सारे, ये कोई बात ना हुई, ये हम नहीं मानते। आप क्या नहीं मान रहे हो, ये लोग जाए काम करने के लिए क्यों अपनी मजबूरी, तो जब आपको वीजा ही नहीं मिल रहा, दो महीनों से तो सऊदी ने आपका वीजा बंद किया हुआ है, यूएई ने किया हुआ है, आप बाहर की बात छोड़ो ना, हम वीजा लेके क्यों जाए, हमारे मुल्क में मसाइल पैदा किए जाए ना, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, ठीक है ना, हर बंदा कोई ना कोई अपने हुनर का माहिर है, ठीक है ना, अगर चाइना तरक्की कर सकता है, चाइना क्यों तरक्की करता है, रूस क्यों तरक्की की है, क्योंकि वो अपने आवाम को फैसिलिटीज फ्राहम करती है, अगर मैं एक कैमरा मैन हूँ अपना काम करता हूँ, अगर ये भाई मोटरसाइकिल का काम करते हैं, इसको मोटरसाइकिल की फैसिलिटी दी जाए, ताकि ये मोटरसाइकिल तैयार करे, अगर कोई मोबाइल का काम करता है उसको मोबाइल की फैसिलिटीज दी जाए, ताकि वो अपने घर में ही अपनी इंडस्ट्री बना के काम करे, ठीक है ना, अगर ये ना करे कि वो नौकरी करने, वो नौकरी को बहाना छोड़े, वहां को खुद मुख्तार बनाया जाए। सही बात है, दूसरी जानिब की ऑडियंस से बात करते हैं, यूथ खड़ी है, पाकिस्तान के यूथ का ख्वाब होता है यार बाहर जाना है, दो तीन साल मेहनत करनी है, पैसा कमाना है, लेकिन सऊदी जैसे मुमालिक भी जो है हमारे वीजाज बंद कर रहे हैं आपसे। अरे शायला देखिए क्या है, भीख मांगना एक इजी मनी है, और आपके यहाँ तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे बड़ा लोगों को मतलब प्रेरणा मिल रही है, लोग इंस्पायर हो रहे हैं। अब एक पाकिस्तानी लड़की है, उन्होंने तो भीख मांग मांग कर बैलेंस, घर, गाड़ी और पता नहीं क्या क्या बना लिया, तो पाकिस्तान की यूथ तो ऐसी इजी मनी के लिए इंस्पायर होगी है यहाँ। सुनिए लाइबा, मुझे ये बताएं आप मलेशिया में रहती हैं जी, तो पहले ये बताएं मलेशिया में आपके पास क्या क्या है।
दो फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांगकर। ये पक्की बात है? जी जी। भीख मांगती कैसे थी, क्या बहाना करती थी, क्या सारा करती थी? ना बीना बनकर, हाथ में किताब पकड़कर और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी। अब आप बताइए कि जब लोगों को इतनी आसानी से पैसा मिल जाएगा भीख मांगकर, तो क्यों हाड़ तोड़ मेहनत करने जाए? क्यों वो जाकर परीक्षा दें, जाकर मैनेजर की गालियां सुने, जाकर मेहनत करें, पढ़ाई करें? क्यों करें भाई, जब हाथ फैलाकर बैंक बैलेंस और घोड़ा गाड़ी घर सब मिल जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? अब वो देखिए, अब वो जापान में भी पहुंच गए पाकिस्तानी, वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि जापान में भी जाके वो बंदा भीख मांग रहा है। देखा आपने? तो धीरे धीरे आप लोग इंस्पिरेशन बन रहे हैं करोड़ों पाकिस्तानियों की। कोई शायला से इंस्पिरेशन नहीं लेगा कि भाई माइक लीजिए, तमाम मुश्किलें हैं, तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन सड़कों पर उतरिए, जाकर लोगों से बात करिए, काम करिए, धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, मेहनत करिए, उसके बाद आइए, फिर उसके बाद काम कीजिए, तब थोड़े पैसे कमाइए। इतनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता शायला जी, सब उस लड़की की तरह मेहनत करना चाहते हैं, आपकी तरह नहीं। आप इतना मेहनत करती हैं तो आप क्या कमाती हो जितना वो भीख मांग के कमा लिया उसने, उस लड़की ने, है कि नहीं है? बात करेंगे, क्या कहेंगे? हमने कुछ बात नहीं करनी। मतलब वीजा बंद हो रहे हैं, क्यों? बेहतर है, हमें क्या पता क्या बेहतर। इंसानियत सबसे पहला होता है या मजहब? पहले मजहब होता है। ह्यूमैनिटी फर्स्ट नहीं है वो? क्या होता है? मतलब मैं कह रही हूँ कि इंसानियत को अहमियत देनी चाहिए या फिर मजहब को देनी चाहिए? पहले मजहब को देनी चाहिए, फिर इंसानियत को। अच्छा, मजहब को इतनी अहमियत क्यों देनी चाहिए? कि पहले मुसलमान बनेंगे तो ही इंसानियत करेंगे ना। अच्छा, मतलब इंसानियत दिखाने के लिए मुसलमान होना जरूरी है? हाँ जी। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो मदरसा के बच्चे होते हैं, ये ज़्यादातर पाकिस्तानियों को यही सिखाया जाता है कि आपने रिलीजन को फर्स्ट रखना है, जबकि हमने ये देखा है जो मुल्क तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो नेशन को फर्स्ट रखते हैं। तो कौम बेहतर होना, कौम को पहले रखना चाहिए? नहीं, कौम को बाद में, पहले मजहब को लेना चाहिए। कौम को बाद में रखना चाहिए? हाँ जी। और अगर हम कौम को पहले रखेंगे तो मुल्क बढ़ेगा नहीं, आगे तरक्की नहीं करेगा? करेगा, लेकिन अब बंदे पे यू करता है कि कैसे पहले करना है। मेरा कहना है पहले मजहब को आगे करना। अच्छा, आप इंसानियत को पहले रखते हैं या मजहब को? मजहब को। मजहब को क्यों पहले रखना जरूरी है? उधर सामने देखो। क्योंकि अल्लाह ताला को खुश रखना और फिर मिलता सब कुछ। तो जो कंट्रीज जो है मुसलमान नहीं है लेकिन वो इंसानियत की मदद कर रही हैं, तो क्या वो गलत कर रही हैं? जो भी कर रही हैं बेहतरी कर रही हैं, अल्लाह उनको भी हदायत दे, दीन की, दीन की हदायत दे। हाँ जी। आप बात करना, वो सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सऊदी सही कर रहे हैं। क्यों सही कर रहे हैं? अब आपको ये भी बताना, क्योंकि मैंने, अब आपको समझ में आ गया कि मैं क्यों ऐसी बातें करता हूँ। वहां आने वाली जनरेशन को भी यही बताया जा रहा है कि रिलीजन फर्स्ट। बहुत अच्छे भाई, अच्छी बात है, रखिए, पाकिस्तान मुबारक हो भाई। जो यहाँ पे फ्रॉडी पाकिस्तानी है वहाँ पे कोई भी नहीं, हर कार्यक्रम में वहाँ पे फ्रॉड खेलता है, उनका कानून अच्छा है। मैं आप खुद को, मतलब पाकिस्तानी फ्रॉड खेलता है, आप ये कह रहे हैं? तो उधर भी है ये। अच्छा। ये इधर नहीं, इधर भी पाकिस्तानी अच्छे है, हैं है। इधर नहीं कि एक दूसरे को खाते, उधर भी ऐसे ही है। हाँ, मैं ज़्यादा ये देखे पाकिस्तानी मरते देखे। सऊदी के इंडिया से ताल्लुकात बड़े बेहतर हो गए, एक आइडियल रिलेशनशिप हो गए, दुनिया तारीफ कर रही है उनके ताल्लुकात की। ऐसे तारीफ कर रही है कि वो सस्ते दामों में आदमी ले रहे हैं, हम पाकिस्तानी महंगे दामों में जाते हैं, हम नहीं मानते, वो मानते हैं, उनको थोड़े ही पैसे मिल जाते हैं, वो यहाँ पे काम कर लेते हैं। अब अनपढ़ तुम, जाहिल तुम, गंवार तुम, मैनेजमेंट का पता नहीं है तुम्हें, आईटी का पता नहीं है तुम्हें, और तुम महंगे दामों पर जाते हो। पढ़े लिखे भारतीय, आईटी में माहिर भारतीय, स्किल्स में ज़्यादा डेवलप भारतीय, एजुकेशन में ज़्यादा डेवलप भारतीय, बिजनेस में ज़्यादा डेवलप भारतीय, और वो कम पैसे में जाते हैं, वो कम पैसे में मान जाते हैं, इसीलिए भिखारी हो रहे हो तुम लोग। जब तक ये झूठ के आडंबर से बाहर नहीं निकलोगे तब तक नहीं हो सकता कुछ भी।
इंडियन थोड़े पैसों पे भी काम कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को ज्यादा कमाना होता है तो वो भीख मांगते हैं। भीख मैं जाता हूँ, मैंने काम नहीं लगा, मैंने हाथ कहाँ कर दिए, वो जाता है वो काम नहीं लगा, उसने हाथ फैला देते हैं। हाथ फैलाने की आदत कहाँ से आई है हमें? यहाँ से आई है, पाकिस्तान से आई, पाकिस्तान से। तो ये आदत वजीर आजम से लेके आवाम तक चलती आ रही है, आवाम तक। इन्होंने तो बड़ी बात कर दी, ये कह रहे हैं कि भीख मांगना जो है पाकिस्तानियों की मजबूरी बन चुका है, वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, कोई काम नहीं तो भीख मांग लो। नहीं, भीख मांगना को नहीं है, बाकी मेहनत मजदूरी करके खाए ना, अपनी जहाँ जहाँ मुल्क भी जाते खाए ना, लेकिन कर नहीं ना रहे। सऊदी अरब पाकिस्तानियों को वापस भेज रहा, कहते नहीं चाहिए आप लोग। हो सकता कोई मसला हो इंडिया के साथ, वो ताल्लुकात भी बेहतर कर रहा है, इसकी वजह ये भी हो सकती है ना। तो आपने सोचा नहीं कि आपकी जगह इंडिया ने ले ली आखिर? क्यों, कोई तो गलती होगी ना हमारी? गलतियां तो सारे मुल्कों में ही हैं, कौन ही गलती करता। असल मसला क्या है कि वो इंडिया वाले ना चाहते यही है, इंडिया वाले तो काम खराब कर रहे हैं सबका। अच्छा, इंडिया काम खराब कर रहा है, कैसे कर रहे हैं? इंडिया ही कर रहा ना, जैसे वो फ्रांस चले जाए, वहाँ पे चले जाए, अफगानिस्तान में चले जाए। क्या बात कर, इंडिया कहता है पाकिस्तानियों को वहाँ पे रोडों पे भीख मांगो, खाना काबा के अंदर भीख मांगो, ये इंडिया कह रहे हैं? नहीं, इंडिया वो नहीं लोग मांगते, वो नहीं मांगते, नहीं मांगते, हम लोग मांगते हैं, कर लेंगे, मांगते हैं, हम लोग मांगते हैं, हम लोग जैसे है कि हम जेन बढ़ाते हैं, ये इससे पैसे ज्यादा मिलते हैं। हाँ, कह रहे हैं एक रुपया हम देते हैं, वहाँ पे एक डॉलर मिलता है, पाकिस्तान पेट्रोल का काम करते हैं। बेई को कोई नहीं मांगता, सब मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, पाकिस्तानी भी जाते हैं, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, इंडिया के भी काफी लोग है, वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं, लेबर करते हैं, हर चीज करते हैं। लेकिन 2024 में देखे तो मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान को टाटा बाय बाय बोल दिया। अभी सऊदी ने अपनी आर्मी इंडिया में ट्रेनिंग के लिए भेजी है, पाकिस्तान तो उसका दोस्त है, यहाँ के पे क्यों नहीं भेजी? यही बात है ना, पाकिस्तान में इसलिए ना भेजी, कोई मसला होगा, मसले में सहल होंगे। आपको भी पता नहीं है मसलों का? मसले तो काफी है, क्यों नहीं काफी? आप क्या कह रहे हैं? ये लोग मरकर कब्रिस्तान में चले जाते हैं, ये लोग मरकर कब्रिस्तान में चले जाते हैं, एक अच्छा इंसान, एक मरा हुआ इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है, इसलिए हर दुनिया में हुकूमतें आएंगी, मुसलमान भी आएंगे, इसलिए सब कुछ होगा, एक दफ़ा दीन इस्लाम आएगा। तो अभी तक आया नहीं है? आएगा, सब्र रखो, आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ना इस्लाम से बाहर कौम की बात क्यों नहीं करते आप लोग? इस्लाम में 4 बिलियन से भी ज्यादा के लोग मुसलमान हैं आपस में, एक दूसरे आपको सिर्फ दीन के अलावा कुछ वोट वोट लेने की पड़ी हुई है ना। हमेशा से ये लोग अंदर बंद कमरे में वोट डालते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, इसलिए अच्छी बात नहीं है। इलेक्शन हो या ना हो, कोई भी फिरके का आदमी हो, वोट अंदर बंद कमरे में। पाकिस्तानी एक चीज में तो माहिर है यार, बड़ा सवाल कुछ भी पूछ दो जवाब वही देंगे जो मुझे देना है। सवाल कुछ और पूछा जा रहा है लेकिन भटका दिया ना जवाब, इलेक्शन पे पहुंच गया जवाब, सवाल यहाँ पे उसका जवाब क्योंकि उन्हें पता नहीं है, वो फंस जाएंगे जवाब देके। जैसे ही मजहब पर काउंटर क्वेश्चन किया जाएगा वो फंस जाएंगे, जवाब ही नहीं दे पाएंगे, तो फौरन ट्रैक से निकल लो। वोट बैठते हैं और किसी मुल्क में, इंडिया में बैठते हैं, मैंने और देखे किसी मुल्क में वोट। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक थप्पा यहीं पे है, ये करोड़ों में पैगी, ये करोड़ों में पैगी, ये फैशन आई हुई है। आज सऊदी अरब जो है पाकिस्तानियों को निकाल रहा है, पहले दुबई ने गेट आउट कंपेन चलाई, फिर ग्रीस ने, फिर लंदन ने, ब्रिटेन ने, और आज सऊदी अरब भी ये कर रहा है। आखिर दुनिया पाकिस्तानियों से क्यों तंग आई हुई है? मैं मुझे पाकिस्तानी कौम आज ना सारी बेईमान हो चुकी है। अच्छा। हर बंदा मिलावट में है, कोई भी चीज़ है खालिस नहीं रही है, ठीक है। दूसरी बात है, पर नाम तो पाकिस्तान है, पाक सरजन, सबसे ज्यादा नापाकी यहीं पर है, इन्हीं भाई ने कह दिया। झूठ हमारे अंदर आम हो गया, सही हो गया, ठीक है। तीसरी बात ये कि हमारी कुछ हुकूमतें भी इस तरह की हैं कि हमें आपको पता ही जाहिर तौर पर, हाँ जी ऐसा ही है। दूसरी बात, आम भी मजबूर है, ज़ाहिर महंगाई इतनी ज़्यादा है, ठीक है, आम बंदा वैसे भी परेशान है, जो भी जिसका हाथ जहाँ पे पड़ता है ना, वो बंदा जिसका दाल लगता है वो लगाता है, सीधी सी बात है। दूसरी बात है, क्या नाम है, गरीब बंदा तो ऑलरेडी परेशान है। लेकिन सर, अगर हम 4-5 लाख का वीज़ा लेके बाहर जाते हैं तो हमें मांगने का ही आइडिया आता है? पहली बात ये है, जो 4-5 लाख बंदा लगा के जाता है वो बेवकूफ़ बंदा है। अच्छा। दूसरी बात, पहली बात ये है कि 4-5 लगाना है तो अपने कारोबार पर लगाएं, खुद मेहनत करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह पे तवक्कल करें,
तो अल्लाह रोजी देता है। पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है लोग कारोबार करते हैं। मीडिया कह रहे हैं कि इंडिया ने सऊदी अरब के कान भरे हैं, इंडिया और सऊदी की दोस्ती हो रही है, इसलिए सऊदी जो है इंडिया के प्यार में पाकिस्तानियों को बाहर निकाल रहे हैं। मैं जी से बात क्या है कि आज हर तरफ मुसलमानों पे ना जो है मुश्किल वक्त जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये वक्त खत्म हो जाएगा। मतलब आप ये कहते हैं हमारी अपनी गलतियां कि कोई करवा रहा है? ये हमारी अपनी गलतियां, कोई अपने लोगों हमारे अपने लोगों की गलतियां हैं। मेन चीज है रोजगार, अगर एक बंदे को पाकिस्तान में अच्छा रोजगार मिल रहा है, उसका गुजारा अच्छा जा रहा है, तो उसे क्या जरूरत है बाहर जाने की। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखें, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए दोस्तों वीडियो खत्म हो गया, और एक बात बताऊं, जब किसी देश के लोग परेशान होने लगते हैं, जब किसी देश के लोग बेईमान हो जाते हैं, उनमें ज्यादातर बेईमानी हो जाती है, आ जाती है, लालची हो जाते हैं, तो ये समझ जाना चाहिए कि संकेत हैं, वो देश कमजोर हो रहा है, अंदर ही अंदर कमजोर हो रहा है, अंदर ही अंदर वो खत्म हो रहा है, मिट रहा है वो देश। लेकिन पाकिस्तानी इसको कभी मानेंगे नहीं। जो कैंसर होता है ना, कैंसर वो अंदर 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 ना ह्यूमन सेल्स को खाना शुरू करता है, अंदर से कमजोर करना शुरू करता है, बाहर उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब बाहर जब इफेक्ट आ जाता है तो समझिए कि कैंसर चढ़ गया है, और अब पाकिस्तान में बाहर इफेक्ट दिखने लगे हैं, मतलब अंदर से खोखले हो चुके हैं पाकिस्तान, पाकिस्तानी और पाकिस्तान दोनों। आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा तो थोड़ा डीपली थोड़ा स्टडी कीजिए, आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। बेईमानी, लालच, मक्कारी, धोखेबाजी, ये सारी चीजें इतना अंदर घुस चुकी हैं आप लोगों के अंदर, करप्शन, कि अब वो कैंसर बन चुका है, और वो भी लास्ट स्टेज में है, वहां से रिकवरी बहुत मुश्किल है, बहुत। और हर बात अपने ऊपर वाले के ऊपर मत टालिए, उसके जिम्मेदार आप हैं। जितना उसके ऊपर वाले पर झूठ बोलेंगे आप, उतना ही ऊपर वाला आपको डंडे करेगा, और वही हो रहा है, वो डंडे मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, लेकिन इतने झटकों के बाद, इतने डंडों के बाद भी आपको समझ में बात नहीं आ रही है कि हम गलती कर रहे हैं। सऊदी अरबिया एक मुसलमान देश है, तो वो आपके कहने से, वो एक नॉन मुस्लिम देश हिंदू भारत के साथ संबंध न बनाए आपके कहने से। आप कौन है भाई? सऊदी अरबिया के क्या लगते हैं आप? सिर्फ रिलीजन सेम होने से कुछ नहीं होता, सऊदी अरबिया अपना फायदा देखेगा, अपने लोगों के बारे में सोचेगा, वो पाकिस्तानियों की बात क्यों सुनेगा यार? मुसलमान है इसलिए पाकिस्तानियों की बात सुने, जो भी बुरी बात भी कहे, गलत बात भी कहे, उसको मान लिया जाए, सऊदी मान लेगा, मुझे तो नहीं लगता। खैर आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि आप क्या कहते हैं इस पर। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद।